अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, हमने कुछ टाइम पहले जो है ये मुर्गी अंडों पर बिठाई थी। तो एक बेड नहीं होते इसके अंडों के हवाले से। सुबह सुबह जब हम लोग इसको निकालते हैं ना खाना दाना पानी के लिए, तो ये बहुत देर लगाती है वापस अंदर आने के लिए। यानी पहले बाहर आराम से घूमती रहती है, इधर उधर काफ़ी टाइम लगाती है, तकरीबन आधा घंटा लगा देती। तो इतनी देर में जो है कुछ दिन तो सही रहा कि ये आ जाती थी जल्दी। फिर जब ये देर से आना शुरू हुई तो इसके नीचे हमने पहले 8 अंडे रखे थे, लेकिन फिर इसमें जब बैठी हुई थी ये, उसी टाइम इसने एक और अंडा दिया, तो ये जो है 9 अंडे रह गए हो गए थे इसके नीचे। मगर वो अंडा भी अनफर्टाइल था। लास्ट वीडियो जो है मैं उस पर डाल चुका हूँ कि वो अंडा भी अनफर्टाइल था। तो वो कितने अंडे फर्टाइल हैं कितने नहीं, वो तो मैंने लास्ट वीडियो में बता दिए थे। लेकिन जो ये जैपनीज पेयर था, ये इसके भी मैंने 4 अंडे रखे थे, तो उनमें से 3 अंडे सही थे इनके और एक ख़राब था। तो जो 3 अंडे सही थे उनमें से एक अंडा जो है कौवा ले गया किसी तरह। मतलब जब ये बाहर थी आई हुई खाना दाना पानी करने, तो हम लोग तो सुबह जो है चले जाते थे, फिर ये खुद ही अंदर जाती थी वापस। तो उस दौरान में जब ये बाहर दाना पानी कर रही थी, तो कौवा आके जो है अंडा ले गया। और ये जो है अभी बिल्कुल सही से अंडों पर बैठी हुई है, उसका तो मसला नहीं है। लेकिन एक वो बैड न्यूज़ थी, बाकी अंडे तो बिल्कुल सही से कवर करके रखे हुए इसने। ये मैं जो है यहाँ पर इस दफ़ा पाउडर छिड़कना भूल गया था, तो मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था जो अंडों पे किस तरह बैठाने वाली वीडियो थी। तो यहाँ पर जो है कीड़े ज़्यादा बढ़ गए, तो मैं इसको कल सही कर दूँगा, वरना ये मुर्गियों को बहुत डिस्टर्ब करते हैं। ये चेक करें, मुर्गी अभी भी तंग हो रही है इनसे। वो तो खा लेगी, खा रही है, मगर कितने बहुत ज़्यादा हैं ये चेक करें। अंडों पर भी कुछ चल रही है, तो ये मैं कल ही सही कर दूँगा ख़रीद के। पाउडर जो है इस दफ़ा मैं छिड़कना भूल गया था। इनसे ये होता है कि ना मुर्गियाँ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती हैं, मुर्गियों पे काटती वाटती हैं ये, तो इनका जो है डिस्टर्ब करती हैं बैठने से। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अभी के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।